मिन्ते और तरले करें इंडिया के, और कोई हल नहीं आपके पास। भीख मांगो, माफ कर दो हमें, खुदा के लिए पाकिस्तान आ जाओ, इंडिया वागा बॉर्डर के थ्रू आ जाओ, मैच खेलो, उसके बाद अमृतसर चले जाओ, और खुदा के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, आ जाओ। अब यही रह गया। ये एक हाल था पाकिस्तान क्रिकेट का, इससे भी बुरा हाल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का आपको हो चुका है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी अच्छी नहीं है। अच्छा, बाहर मुल्कों में ना स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में पढ़ाया जाता है कि आपने किस तरह से प्लेयर्स को लेके चलना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए। यहाँ पर इसको जो है स्पोर्ट्स को खेल कूद कहते हैं, खेल कूद यार, खेल कूद, खेल रहे हैं क्रिकेट, खेल रहे हैं, अच्छा ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, ना मैनेजमेंट का पता है कि मैनेजमेंट क्या होती है, ना सिचुएशन का पता है, ना कॉन्फ्लिक्ट का पता है, ना कोई यहाँ पर के मैनेजमेंट है, ना कोई तरीका है कि किस तरह से हमने यार मैनेजमेंट करनी है, किस तरह के लोग हमने पीसीबी में बिठाने हैं। आप पहले वसीम वकार के चस्के लेते रहे, इमरान अजीज, सईद अनवर, जवेद मियादाद, इमरान खान, इसके चस्के लेते रहे, ये प्लेयर हमें मिल गए हैं, सदियों तक इनका नाम रहेगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इनके बाद कौन रिप्लेस करेगा। ठीक है यार, वसीम वकार को आप ओवरनाइट, सदियों में वसीम वकार पैदा होते हैं, आप नहीं उनको रिप्लेस कर सकते, माना, लेकिन यार आपने क्या सीखा 2003 में, जब आपको बुरी तरह सबसे अच्छी टीम, एक्सपीरियंस टीम पाकिस्तान की 2003 में सबसे एक्सपीरियंस पुट्टी टीम, वसीम वकार खत्म हो चुके थे, सईद अनवर खत्म हो गया था, अजहर महमूद जो है वो उसमें मतलब नहीं खेला, मोहम्मद शमी भी था उसमें, शुएब अख्तर जो था वो भी उसमें आया, बेस्ट टीम थी पाकिस्तान की यार, वो सकलैन भी था उसमें, आप क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेल सके। भाई बात यह है कि आपने समझा क्यों नहीं कि हमारी क्रिकेट डाउन जा रही है, अब हमने अपना इमेज बनाना है, हमें अब अपनी क्रिकेट को उस लेवल पे लेके जाना है कि लोग हमारी तरले करें। आप वसीम वकार के इश्क में गिरफ्तार थे कि ये वो, अरे मतलब खानदान में ना एक होता है, खानदान में ना एक बच्चा बहुत पढ़ लिख गया है तो वो बायर बोल जो है वो नौकरी करता है, तो उसका बाप जो होता है वो पूरे खानदान में ना शोर मचाता है, हर किसी को कहता है मेरा बेटा जो है वो बायर है, मेरा बेटा बायर है, मेरा बेटा ने पढ़ा बायर चला गया, बायर काम करो, बायर 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 बायर, एक ही टॉपिक जो भी आता है, मेरा बेटा बायर, मेरा बेटा बायर 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 बायर, आप यही हरकतें करते रहे। वसीम वकार एक वसीम होना सी, एक वकार होना सी, एक वसीम होना सी, इमरान नजीर होना सी, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इमरान नजीर जैसा जैसा खिलाड़ी जो है वो बहुत, अब्दुल रजाक जैसा ऑलराउंडर, आप यही करते रहे हो बस, आपने बस एनालिसिस ठोकी है, आपने ये नहीं देखा कि भाई अब क्या गया? इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने जब देखा कि आप मेंटली खत्म हो चुके हैं, अब आप उस वसीम वकार से बाहर निकल रहे हैं, अब आपको जो है वो उस रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट्स में काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि हम आपको फिनिश गुड्स देंगे, एक होता है ना रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश गुड्स, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो चीजें इंडिया ने डेवलप करना शुरू कर दी। इंडिया ने देखा कि भाई ये लोग फुदू बनते जा रहे हैं, अब हमने क्या करना है कि हमने इनसे आगे निकलना है, क्योंकि उस वक्त हमेशा इंडिया पाकिस्तान से हार जाता था, इंडिया की कोई टीम ही नहीं थी, अजीत गक्कर होता था और उनको समझ ही नहीं आती थी, तेंदुलकर आउट तो इंडिया खत्म, उन्होंने कहा ये क्या यार तेंदुलकर आउट तो इंडिया खत्म, उन्होंने कहा कि भाई हम 100 तेंदुलकर बनाएंगे, 100 तेंदुलकर ईजाद करेंगे, उसमें से विराट कोहली एक एग्जाम्पल है, उसके बाद तेंदुलकर जैसे प्लेयर जाया कहते हैं। पाकिस्तान में 2004 तक एक अच्छी क्रिकेट खेली गई है फर्स्ट क्लास आपकी डोमेस्टिक की, उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी लो लेवल पे आना शुरू हो गई, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में उस वक्त बड़े जबरदस्त प्लेयर थे जो कि लेटेस्ट क्रिकेट उस वक्त 5 साल क्रिकेट आगे की क्रिकेट जो है वो खेलते थे, यानी 2005 में जब दुनिया में T20 का सिस्टम आया ना, तो पाकिस्तान ने पहले डबल विकेट कराना शुरू कर दी, आप उसी को लेके चलते यार, उसी को लेके चलते, उसका एक और टूर्नामेंट करवाते, आपने वो भी बंद कर दिया, उसके बाद जो है वो आपके पास T20 प्लेयर्स आना शुरू हो गए, आपने उनको भी आउट करते गए, आपने कोई बैकअप नहीं बनाया, ना आपने कोई बैकअप प्लान बनाया, ना आपने कोई अपना कोई सिस्टम अच्छा किया। इंडिया ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई, उन्होंने एक IPL ईजाद कर दिया, ताकि ये इस तरह के सिस्टम आपको ईजाद करना, आप डबल विकेट करवा चुके थे, आप T20 आप शुरू करवाते, पहले आप शुरू करते हैं, आप जो है वो इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन इनिशिएटिव कौन लेता, चेयरमैन लेता, उस वक्त चेयरमैन जो है वो सियासी भर्ती है, सियासी प्राइम मिनिस्टर होगा तो पीसीबी का चेयरमैन होगा, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हिली, चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी जो है वो मतलब हिल जाती है, आपकी मैनेजमेंट मतलब अभी जो ये मोहसिन नकवी जो है वो चक्कर लगा रहा है बार बार मास्क पहन के, और जल्दी काम करो, जल्दी करो, तेज करो, तेज करो, तेज करो, 2 दिन में
कदाफी स्टेडियम जो है वो उसको खड़ा करो। ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, इंडिया बहुत पहले ही ये चीज उनको समझ आ रही थी कि 2001-2 में हम नीचे जा रहे हैं यार, हम नहीं फिनिश कर पा रहे, फाइनल में आते हैं हार जाते हैं, क्या मसला है, एक टेंडुलकर है वो आउट होता है तो हमारी टीम जो है खत्म हो जाती है, अजीत अगरकर, मोहंती, कुलकर्णी, जोशी, ये क्या टैलेंट आ रहा है हमारे पास, संजय बंगर, ठीक है जी, दिनेश निहान मोंगिया आएगा आएगा आएगा, मुरली, ये वो मुरली, कार्तिक, मुझे कहा यार ये क्या है भाई, हमें एक्शन जैसा प्लेयर चाहिए, हमें विराट कोहली चाहिए, हमें सुरेश रैना चाहिए, हमें युवराज चाहिए, हमें वसीम जाफर चाहिए। उन्होंने फिर अपना सिस्टम अच्छा करना शुरू कर दिया, उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने कहा कि भाई पैसा जो है उससे हम दूसरी टीमों को, अगर हम अपने टैलेंट पे नहीं जीत पा रहे, हम पैसे से जो है वो अब जो है वो दुनिया को दिखाएंगे, यही पैसा जो होगा लोग हमारी मिन्नतें करेंगे, ये फॉरेन प्लेयर्स, उनको समझ आ गई थी कि पाकिस्तान जो है वो अब इस सिस्टम से बाहर होता जा रहा है, कि वो एक जो रॉ टैलेंट पाकिस्तान का आता था उन्होंने फिनिश कोर्स बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने MRF की एकेडमी बनाई, स्टीव वॉ को उन्होंने इंडिया में बुलाया, स्टीव वॉ आता था इंडिया में MRF के वो टायर्स वायर्स इश्तियार करता था, फिर सिखाता था, वहां से एकेडमी बनना शुरू हुई, वहां से उनको प्लेयर बनना शुरू हो गए, उनके हर बंदा जो था, क्योंकि उस वक्त फास्ट बॉलिंग का कल्चर नहीं था इंडिया में, या तो एक जबरदस्त स्पिनर आता था या एक जबरदस्त फरू के साथ का बैट्समैन आता था, तो उन्होंने बैट्समैन बनाना शुरू कर दिए, उसमें से फिर अंडर 19 में उन्होंने काम शुरू किया, फॉरेन कोचेस को लेके आए, इयान चैपल को लेके आए, उनको समझ आ गई कि यार आगे जो क्रिकेट है वो अब चेंज होने जा रही है, हम अभी से जो है वो कुछ करते हैं, अपनी मोनोपोली बनाते हैं और लोग हमारी मिलते करेंगे, हम वसीम वकार, बासित अली, आकिब जावेद, सलीम अली, एक वसीम और नसीम, इन तमाम ने उल्टियां करके जी 92 का सेमीफाइनल जो है वो जीता, हमें बस 92 में रखा उन्होंने, 92 जो है वो चैटो 92 को, 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान कैसे जीता, वो स्पोटियां लग गई थी, उसके बाद जो है वो पता नहीं क्या किसी प्लेयर ने फुसी मारी तो पता नहीं एकदम से टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई, फिर उसके बाद पता नहीं एक और फुसी मार दी, उसके बाद जो है वो फाइनल में हम गए, किस तरह से हम फाइनल में गए, दिखा दिखा के 92 का वर्ल्ड कप का फाइनल जो है आपने चोट के रख दिया, 92 के वर्ल्ड कप को चोट के रख दिया आपने, 92 वर्ल्ड कप फाइनल, 92 वर्ल्ड कप पूरा का पूरा वर्ल्ड कप आपने चोट दिया, दिखा दिखा के टीवी पे, क्या मिला आपको उससे, कोई आपकी जनरेशन, एक आपकी जनरेशन जो थी वो इंप्रेस हुई थी, उसके बाद जनरेशन आपकी बनना शुरू की, बीच में जो आप फ्लो जो बीच में जो आपने हरकतें की हैं, जो आपने निगलेक्ट किया टैलेंट को, जो सियासी भर्तियां आपने की है, सिफारशी कल्चर जो आप डोमेस्टिक में लेके आए हैं, आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट के साथ जो किया है, आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जो किया है, कौन सा अपने पांव पे खड़े होते रहे, एक तो यहां पर फॉरनर कोच आता है, साथ में आपका अपना भी कोच होता है, अगर एक फॉरनर कोच आता है तो वो अपनी पूरी टीम लेके आए, अपनी पूरी फॉरनर्स की, इधर होता ही है कि यहां पर सिस्टम जो है पाकिस्तान में जेलसी का सिस्टम है, अगर फर्स्ट करके मतलब गैरी कस्टन है उसके साथ बैठाया अजहर महमूद चाफुसियां करेगा, अजहर महमूद जो है वो मोहसिन नकवी को पता चाफुसियां करेगा उसके साथ, इसने ये बातें की हैं, ये की है, वो टीम में सियासत बनाएगा, टीम में कल्चर जो है वो ऐसा बनाएगा कि गैरी कस्टन तंग आ जाएगा, वो कहेगा मैं मतलब रिजाइन कर रहा हूं। एक अगर फॉरनर कोच है उसके साथ फॉरनर मतलब ट्रेनर होना चाहिए, असिस्टेंट कोच होना चाहिए, फिर पाकिस्तानी कोई नहीं होना चाहिए वहां पर, क्योंकि हमारा जो काम है हम चुगलियां करते हैं, हमारा काम ही गंदा वो करना के बस पता लेग पुलिंग करना, लोगों की टांगे खींचना, हम खुद कुछ करते ही नहीं है, हम किसी को अच्छा काम होते भी नहीं मतलब देख सकते, ये हमारी सबसे बड़ी जो हमारा जो एक पाकिस्तानी का जो कल्चर है वो यही है कि वी आर सेल्फिश पीपल्स, हमें सिर्फ अपना इंटरेस्ट होता है और हमें किसी का अवॉर्ड नहीं होता कि इससे हमारा मुल्क जो है वो संवरेगा, इससे हमारा टैलेंट संवरेगा, ये फायदा करने से ये डिसीजन करना, मुझे पता है कि अब जो आपका चेयरमैन बार बार आ रहा है कि भाई ये मास्क लगा के ये सस्त रहा, ये चीजें इंडिया ने बहुत पहले शुरू कर दी, उन्होंने 2008 में स्टेडियम बनाना शुरू कर दी, पुणे, ऐसे ऐसे ग्राउंड है कि समझ में आते कि ये मैच इंडिया में हो रहा है नहीं, अहमदाबाद का जो स्टेडियम उन्होंने ऐसा बनाया कि इसको देख कैसे लगता जैसे कोई बाहर मुल्क में जो है वो मतलब मैच हो रहा है, ये वो कंट्री है जहां कहते हैं कि लोग जिसकी मतलब लैंट्रीन बहुत ज्यादा है इंडिया में, ऐसे मतलब गुसलखाने नहीं है वहां पर, लोग जब खड़े खड़े पेशाब करते हैं, पता खेतों में टटियां करते हैं, ये मशहूर था इंडिया के बारे में, वो अहमदाबाद जैसा इतना बड़ा स्टेडियम बना रहा है, नागपुर हो गया, उसके कानपुर हो गया, नाम सुनो उनके, यानी वो ये नहीं कहते हमारे लगे कराची, लाहौर, पिंडी, ये तीन स्टेडियम है जी, उधर जगह ऐसे ऐसे नाम होते समझ ही नहीं आते, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाया। तो भाई आप मुझे बताएं कि जब आपके दो भाई हो, तीन भाई हो, उसमें से एक अमीर हो, तो बाहर से आने वाले लोग किससे मिलते हैं,
अमीर से मिलते हैं ना, वो जो गरीब होता है ना, गरीब भाई को भी अपने अमीर भाई को आगे करते हैं, ये लो तुम इससे सलाम दुआ करो ताकि हमारा स्टेटस कायम रहे। तो भाई रियल लाइफ में स्पोर्ट्स में भी इंडिया आपसे आगे है, पैसों में आपसे आगे है, उन्होंने बनोपी उन्होंने पैसे के थ्रू आईपीएल के थ्रू टीमों को खरीदा है, तो उनकी चलती है, आईसीसी इंडिया का है तो वो सबसे आगे है। और भाइयों में मैं कहता हूं, भाइयों में जो अमीर होता है वो सबसे आगे होता है, पूरा खानदान वाले उसको सबसे आगे। बाहर से कोई अगर अमीर बंदा आता है ना विचारों से, और जब घर के अंदर आता है तो उसके सामने गरीब भाई नहीं उठाते जो 15,000, 20,000, 25,000 की तनख्वाह ले रहा होता है और 7 बच्चे होते हैं उसके, वो उसको दिखाता है जो बैंक में या तो ब्रांच मैनेजर होता है या किसी बड़ी पोस्ट में अमीर बंदा होता है, उसको बिठाते हैं सामने उसके। तो इंडिया में भी ऐसे ही है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वो कोई बात करते हैं तो आप किसी लल्लू पंजू के साथ ही बिठाते उसको, वो भी अमीर बंदा होना चाहिए आपका बाप, उस कैलिबर का होना चाहिए। तो इंडिया वाले आपको उस कैलिबर का ही समझते हैं, इंडिया वाले आपसे नफरत करते हैं नेक्स्ट लेवल की, वो आपसे नफरत करते हैं इंडिया वाले, वो कहते हैं ये क्या हमारे नीचे लगने वाली कौम है। तो भाई आपने अपना सिस्टम नहीं बनाया, जब आपने अपना सिस्टम ही नहीं बनाया तो आप क्यों फिर इंडिया से मिलते। आप अगर ये चीज समझते हैं तो आप अपना सिस्टम बनाते, आप पैसा लगाते, आप ना करते सियासी भर्तियां ना, ले आते कोई एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा सा जानतदार। एक तो पाकिस्तान में जानतदार एडमिनिस्ट्रेटर मिलना भी किसी मौजे से कम नहीं है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अब किस सेटअप में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुल्क के साथ सिंसियर हो। जो भी आता है उसकी कोशिश होती है कि उसका बच्चा किसी तरीके से अंडर 19 खेल जाए या पाकिस्तान टीम खेल जाए, सिलेक्शन में कोई ना कोई उसका कोई जाने वाला होगा, उसका चाचा का बेटा होगा या उसका दादे का पुत्र होगा या जो भी है। एक तो हमारे यहां ये सिस्टम खत्म नहीं होता, ये कोटे सिस्टम हमने रखे होते, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, ये बेटा वो बेटा, ये बेटा वो बेटा, बड़ा घर कर दिया आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को यार। स्पोर्ट्स जो है वो बाहर मुल्कों में एजुकेशन है, स्पोर्ट्स लोग सीखते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यहां पर खेल कूद है, यहां खेल के आए हो तो पता नहीं क्या तुमने कहा, तू 3 मार दिया, वेट कम करते हैं, जाओ जाके जॉगिंग करो, खेलो क्रिकेट, खेलो फुटबॉल, खेलो के वेट कम हो जाएगा, ये हमारी सोच है। उधर साइकी अलग है, उधर स्पोर्ट्स को लेके कल्चर ही अलग है, क्या कंपैरिजन है आपका, सोच में भी आपका कंपैरिजन नहीं आता, तो इंडिया के साथ आप क्या कंपीट करोगे। तो बात यह है कि एट द एंड कि वोटिंग होगी और इंडिया ने सबको खरीद लेना है, और वही हाइब्रिड मॉडल होगा, और यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस।